और खबर राजस्थान के भिवाड़ी से है, जहां लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बता दें कि भिवाड़ी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर बढ़ने पर एनजीटी प्रदूषण विभाग ने करीब 400 उद्योग इकाइयों को बंद करा दिया है। इसके विरोध में मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने धरना देते हुए नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। वहीं विधायक संदीप यादव ने उद्योगपतियों के खिलाफ किसानों द्वारा आंदोलन करने की धमकी दी है। चक्का जाम की सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी अरुण मच्छिया, डीएसपी हरिराम कुमावत और फूलबाग थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। एडिशनल एसपी अरुण मच्छिया के प्रयास से उद्योगपतियों और विधायक के बीच समझौता बैठक भी कराई गई। उद्योगपतियों का कहना है कि प्रदूषण की 47% वजह खराब सड़कें हैं। प्रशासन अपनी गलती छुपाकर उद्योग इकाइयों पर गाज गिरा रहा है। उद्योग इकाइयों के बंद होने से करीब 70,000 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। अगर हमारी बात मान ली जाती है तो ज्ञापन देंगे। हमारे लोकल विधायक हमारे पास आए, उन्होंने काफी हद तक हमें सुना और ये आश्वासन दिया कि एक घंटे के अंदर आपकी जो मशीन है सफाई की वो आपके बीच में आ जाएगी। अगर वो मशीन आ जाती है तो हम 17% बंद कर देंगे, नहीं तो हम गिरफ्तारियां देंगे। यहाँ जब तक हमारी मशीन नहीं आ जाती हम यहीं बैठे हुए हैं। हमारा मोटा ध्येय साफ सफाई का, जिसकी वजह से प्रदूषण फैला हुआ है। काम शुरू हो जाए, संतुष्टि तभी मिलेगी। काम पूरा नहीं होगा तो संतुष्टि कहाँ से आए। उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने ये कहा कि अभी मैं आधा घंटे में मशीन खुलवा के ये कार्य शुरू करवा देता हूँ सफाई का। आधे घंटे में मशीन अगर आ जाती है तो क्या आपका धरना समाप्त होगा? समाप्त कर लो, अगर मशीन सफाई शुरू हो जाती है समाप्त। हमारे इंडस्ट्रीज के साथ एक तो एनजीटी की तरफ से जो मामला चल रहा है आप सभी को ध्यान में है, फैक्ट्रिया काफी सारी बंद है, उसमें तो हमें कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पॉल्यूशन का मामला है वहाँ एनजीटी देखेगा। बाकी जो बाकी और ऑल ओवर इंडस्ट्रीज की जो समस्या है, जो उद्योगपति की जो समस्याएं हैं, उनको सभी संबंधित अधिकारियों को, हमारे मंत्री जी को सबको अवगत करा दिया है और जल्द ही उनका समाधान निकाल लिया जाएगा। अभी जैसे सड़कों की बात चल रही है, सड़कों का टेंडर हो गया है, उस पर अभी जो है।